ये आत्मा का क्या कार्य है माधव? जब पर ब्रह्म के भाग हुए, पुरुष तथा प्रकृति बने, तब पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वास किया। उस आत्मा को मोह तथा अंधकार ने घेर लिया पार। उस मोह निद्रा से जागृत होकर स्वयं को परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का कर्तव्य, उद्देश्य और जीवन कार्य। परंतु माधव, यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो क्या उन्नति और अवगति स्वयं परमात्मा कर रहे? जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा रत्न चमकता नहीं, वैसे प्रकृति के 24 पदार्थों से घिरी आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती है, स्वयं देह से भिन्न है ये जान ही नहीं पाती। शरीर को जो सुख दुख स्वाद गंध आदि का अनुभव होता है, उसे अपना अनुभव मान लेती है और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती। जो आत्माएं बदलाव का प्रयत्न नहीं करती, निरंतर अधर्म करती रहती है, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य है। तुम भी ये जान लो पार्थ कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा हो। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया, इनके शरीर मरेंगे किंतु ये सब अमर, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्धात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है पार्थ। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरता है वो अवश्य फिर से जन्म लेगा। इस महाज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। धर्म और अधर्म क्या है?